कसूरी की ये बात है, फूलों की बरसात है। कसूरी की ये बात है, फूलों की बरसात है। इस्लामिक वीडियो सेंटर दीन की अशात है। من همزه ونفخه ونفاده بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما अपना रो
सुनाइए अपना रोना कि लो जा सुनाइए। इतने कई रह गए जाने सब के गए नहीं ठिकाना तेरा सौ सौ ग्राम शुकराना। इतने कई रह गए जाने सब के गए नहीं ठिकाना तेरा सौ सौ ग्राम शुकराना। मेरे मालिक खुदा मंगा एक दुआ पंज गाना ते तू मंगदा है सारा जमाना। मौला करम कमा खाना काबा विखा मेहरबाना तेरा सौ सौ करम शुकराना। अल्लाह ताला दी जिन्नी भी हमद और तारीफ बयान की जाए थोड़ी बेशुमार और लापता गुरु को सलाम। इमाम अंबिया सैयद अंबिया इमाम कायनात महबूब कायनात फखर कायनात सरवर कायनात रहमत कायनात सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात गिरामी वास्ते रहमत व शफी दुआ सहाबा इकराम आले बैत ताबे निजाम और ये इकराम और बुजुर्गान दीन वास्ते मुअज्जज सामीन हजरात इंसान भावे जिन्ना भी निगोबार हो जितना भी साले और पारसा हो इंसान को गलती लरश और कोई ना कोई ठोकर लग जाती कोई ना कोई नाफरमानी कोई ना कोई मासीयत कोई गुनाह कोई गलती हो ही जाती। मां सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम दे गलतियां तो गुनामा तो पाक अगर कोई हस्तियां ने तो वो सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम जिन्हों को ना फरमानी होती नहीं। अगर कोई बात तकाजा है बशरीयत भूल हो भी जाए अल्लाह पाक अपने पैगंबर की उस भूल नू उस गलती नू भी कौम वास्ते उम्मत वास्ते एक सबक एक दरस बना देते हैं। वरना इंसान बहरहाल इंसान है एक गलती का पुतला है। इंसान को अगर निस्यान विचों समझा जाए तो इहदा माने ही गलती करने वाला भुलन वाला है। अगर इंसान को उस विचों समझा जाए तो प्यार करने वाला मुहब्बत करने वाला है। लेकिन अल्लाह पाक ने कुराने पाक के अंदर अपने बंदियों को यह बात दसी है कि अगर तुसी
कबीरा गुनावा कोलो वड्या गुनावा कोलो हर मुमकिन बचण की कोशिश करोगे तो छोटियां मोटियां गलतियां मैं अपनी रहमत नाल मामूली मामूली नेकी दे बहाने माफ कर देवां। पुराने पाक दे अंदर अल्लाह पाक ने एहो ही बात फरमाई पंजवां सारा और सूरत दा नाम सूरत निसा है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया इन तजतनिहु कबाइर मा तुनहौन अन्हु अगर तुसी वड्या गुनाहां कोलो कबीरा गुनाहां कोलो जिन्हां तों तुहानू खास तौर ते गुनाहां दा नाम लैके भी दस्सिया भी इन्हां गुनाहां दे नेड़े नहीं जाना इश्तराब करोगे बचोगे नुकफिर अनकुम सय्यातिकुम मामूली गलतियां असी अपनी रहमत नाल माफ कर देवांगे वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा और असी तुहानू इज्जत वाली जगह तकरीम वाली जगह इकराम वाली जगह दाखिल करांगे। इहदे तों मुराद जन्नत है बहिश्ते बरी है। मैं गुजारिश की इंसान गलती का पुतला है जैसा कि सही हदीस अंदर प्यारे नबी अली सलात व सलाम का फरमाने आली शान मौजूद है। मेरे अल्लाह के पीर मुर्शिद अली सलात व सलाम ने फरमाया आप इस हकीकत को बयान करते हैं फरमाया वनसिया आदमु व अगल मिन शजादी हजरते आदम अलैहिस्सलाम को नसियान हो गया गलती हो गई भूल हो गई जेड़े दरख्त का फल खाने को अल्लाह ने मना किया सी उस दरख्त का फल खा लिया जिवें आदम भुल गए इवें आदम दे औलाद भी भुल जाती है फनासिया तो जुर्रिया तो कई बंदे भावे उन्होंने कुरान दिखती एडी तालीम या इलम ना भी हो पुछिए ने यार गलती होगी यार आदम अलैहि सलाम भुल गया आदम अलैहि सलाम भुल गया अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने हजरत आदम अलैहि सलाम को सलाम भुल ला गई गलती होगी दरख्त दा फल खा लिया फनासियत ज़ुर्रियतहु आपकी औलाद आपकी नजर इंसान इबने आदम भी गलती करता रहता है इबने आदम को भी भूल हो जाती है फरमाया वा खादिया वा खादिया तो ज़ुर्रियत हो अल्फाज ने हदीस बारे पहले आपने फरमाया आदम भुले ते आदम की औलाद भी भुल जाती है अगे अल्फाज बयान किए खादिया आपने गलती की थी फखादिया तो जरूरिया तो दे आपकी औलाद भी गलती कर जाती है अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन दूसरी हदीस मुबारक के अंदर नबी पाक ने सलात व सलाम ने ये बात फरमा दी थी जिस दा मफहूम है एदा मतलब ए नहीं कि बंदा भूल गया ते भुलिया ही रहे बंदा गलती कर गलती हो गई है गलती भुल नाल हो गई है अल्लाह अकबर खता हो गई है गुनाह हो गया है ते बंदा अपने उस गुनाह वाले रस्ते ते डटिया ही रहे बंदा गलती दर गलती करता जावे गुनाह दर गुनाह करता जावे बंदा माशियत तो हटेगा
अल्लाह अकबर गलती ते हुंदी है, चलो भूल लग गई है, गलती हो गई है, कोई मासीयत ते नाफरमानी दा काम हो गया, कोई गुनाह बंदे को सरदत हो गया, ਇਹ ਪੂਰਨੀ ਤੋਬਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਲੌੜਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹਰ ਬੇਟਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਏ, अल्लाह को तौबा कर लेता है। बल्कि मैं सही मुस्लिम की हदीस पेश करा, मेरे और तुम्हारे पीर मुर्शिद अली सलाम ने फरमाया, अगर तुसी गलती करके अल्लाह को माफी ना मांगो, गुनाह करके अल्लाह को तौबा ना करो, रब पाक दे कोल इस्तगफार ना करो, अल्लाह को माफिया ना मांगो, नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक तुहानू खत्म कर देंगे, अल्लाह तुहानू हलाक कर देंगे। अल्लाह पाक फरमाते ने, ऐ मेरे बंदो, अगर तुसी गलतियां करके मेरे को माफिया ना मांगो, मैं तुहानू खत्म कर देवांगा, ऐसी कौम पैदा करा, मैं ऐसे बंदे ले आवांगा जिहड़े गलतियां भी करनगे ते अल्लाह कोल माफियां भी मंगणगे। गलती हो जाना कोई वड्डी गल नहीं, ते गलती ते आकड़ जाना ए बड़ा ऐब ए, ए बड़ी कमजोरी है। गुनाह कीता ते फिर ओदे ते सिद्ध करनी, गलती कीती ते ओदे ते अड़ जाना, गलती कीती ते ओदे ते फखर करना, गुनाह करके ते ओदे ते तकब्बुर करना, गुनाह करके ओदे अंदर अपनी इज्जत समझना, नहीं मेरे अजीज दोस्तों, जो ए वड्डी कमजोरी ते वड्डा ऐब ए। और अल्लाह पाक दा कुरान दूसरे मुकाम तो बयान फरमा रहा है, ए जे पंजवां सपारा हुन जेड़ा पढ़ लग्या वा, ए अल्लाह पाक दे कुरान दा दूसरा मुकाम है। अल्लाह फरमांदे ने, वल्लदीना यजतनिबूना कबाइरल इज्मि वल फवाहिशा वाइदा मा गज़बू हुम यग़फिरून। कुरान दे लफ्ज़ां दा तर्जमा याद कर लो, यही मेरे तुहाडे वास्ते मसले ने, यही मेरे तुहाडे वास्ते याद करवा दियां गल्लां ने। अल्लाह पाक दा कुरान की कह रहा है, फरमाया ओ लोग जिहड़ियां वड्डियां गुनाहां कोलों बचदे ने, बेहयाई वाले कम्मां कोलों बचदे ने, रब दी नाफरमानी कोलों बचदे ने। अगे फरमाया वाइदा मा गज़बू, जदों उन्हां नूं गुस्सा आ जांदा है, हुम यग़फिरून। सुभान अल्लाह, अपने गुस्से ते कंट्रोल करके ते ज़्यादती करन वाले नूं माफ कर देंदे ने। वाइदा मा गज़बू, जदों उन्हां नूं गुस्सा आ जांदा है, अल्लाह अकबर, हुम यग़फिरून, और लोकां दीआं गलतियां ते लोकां दीआं ज़्यादतियां भी माफ कर देंदे ने। अल्लाह पाक दे कुरान दा तीसरा मुकाम फरमाया, यजजी अल्लज़ीना अहसनू बिल हुस्ना,
अल्लाह जज़ा देंगे ओना लोका नो, अल्लाह नेक बदला देंगे ओना लोका नो। सुभान अल्लाह जिन्ना ने नेकी कीती है, फरमाया अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइर इज़्मि वल फवाहिशा इल्ला लमन, अल्लाह पाक फरमांदे ने बड़े गुनाहों को बच जाते ने ते छोटियां गलतियां हो जांदियां ने। इल्ला इल्ला लमन, अल्लाह फरमांदे ने छोटियां गलतियां निकियां गलतियां हो जांदियां ने, सगीरा गुनाह हो जांदे ने, ते बड़ियां गुनाहों को हर मुमकिन बचण दी कोशिश करदे ने। अल्लाह फरमांदे ने छोटी गलती हो जांदी है, फरमाया इन्ना रब्बा वासिउल मगफिरा। अल्लाहु अकबर, फरमाया बेशक तेरा रब बड़ी बख्शिश वाला है, वसी बख्शिश वाला है, खुली मगफरत वाला है। इन्ना रब्बा वासिउल मगफिरा, तेरे रब की बख्शिश बड़ी वसी है, तेरे रब की रहमत बड़ी वड्डी है। वाह सुभान अल्लाह, मेरे अजीज दोस्तों, इस वास्ते छोटियां छोटियां गलतियां अल्लाह पाक ते अपने रहमत दे नाल अपने बंदियां नूं माफ कर देंगे, लेकिन वड्डे गुनाह बगैर तौबा तो अल्लाह माफ नहीं दे करदे। अल्लाहु अकबर कबीरा, ए जे कबीरा गुनाहां दी हकीकत के वड्डियां गुनाहां नूं अल्लाह बगैर तौबा ते माफ नहीं करदे। छोटी मोटी गलती अल्लाह नमाज पढ़न दे बहाने माफ कर देंदे ने, रोजा रखण दे बहाने माफ कर देंदे ने, हज उमरा करण दे बहाने माफ कर देंदे ने। निकियां निकियां गलतियां सदका खैरात करन दी बरकत नाल अल्लाह माफ कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर करीरा, मैं सदके दे कुर्बान जावां ओदियां रहीमियां ते करीमियां नो, ओ कैसा मेहरबान अल्लाह है। इसे साहिबे ज़ौक ने मेरे मालिक दे बारे कितनी प्यारी कलम कुशाई कीती है, कहन वाला कहिंदा है अल्लाह को लो मंग बंदिया, अल्लाह को लो मंग बंदिया, जितो मोड़ न तोड़ होए, अल्लाह को लो मंग बंदिया, जितो मोड़ न तोड़ होए, ऊपर दे कज लेना बंदा उम्रा दा जोर होए, ऊपर दे कज लेना बंदा उम्रा दा जोर होए। कुरान दिया पढ़ ऐता विच शक कोई नहीं, कुरान दिया पढ़ ऐता विच शक कोई नहीं, अल्लाह दे सजदियां विच बंदियां दा हक कोई नहीं, अल्लाह दे सजदियां विच अल्लाह बंदियां दा हक कोई नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह दे सजदियां विच बंदियां दा हक कोई नहीं, वली पीर पैगंबरां दा, वली पीर पैगंबरां दा, भावें रुतबा होर होवे, वली पीर पैगंबरां दा, भावें रुतबा होर होवे, उबर दे कज लैंदा बंदा उमरा दा जोर होवे। अल्लाह कोल मंग बंदिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं सदके ते कुर्बान जावा ओदियां रहमतां ओदियां रहीमियां ते करीमियां, एडा मेहरबान अल्लाह है, एडा रहीम ते करीम अल्लाह है। मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो, निकियां निकियां गलतियां ते ओ मामूली
मामूली बहाना अपने बंदे को माफ कर देंगे ने, लेकिन गल सुन लो जेड़े बड़े गुनाह ने इन्हां दी हकीकत क्या है, एक बगैर तो वाले अल्लाह माफ नहीं जे कर दे। मसला सुनिया है कि शहीद जदों अल्लाह दे रस्ते अंदर शहीद होंदा है, इहदे खून दा कतरा जमीन ते डिगदा है, अल्लाह पाक इहदी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देंदे ने। लेकिन हदीस पाक दे अंदर लिखिया है अल्लाह पाक करदा जेड़ा है ए शहीद नूं ही माफ नहीं जे कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसे दा हक देना है उन्नी देर तक अल्लाह माफ नहीं करेंगे, जिन्नी देर तक हक वाले दा हक अदा नहीं कीता जाएगा या फिर वो माफ नहीं कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे बात इसे तरह मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो, नमाज एक बहुत बड़ा अमल है। नमाज दे जरिए अल्लाह बंदे दियां गलतियां माफ कर देंदे ने। सही मुस्लिम दी हदीस है, नबी पाक अली सलाम फरमांदे ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जदों बंदा वुजू करदा है इन्हें अपने हत्थां ते पानी पाया, अल्लाह पाक इन्दे हत्थां दियां गलतियां माफ कर देंदे ने। इन्हें कुली करन वास्ते मुंह विच पानी पाया, अल्लाह दी जुबान ते सगीरा गुनाह माफ कर देंदे ने। इन्हें चेहरा धोण वास्ते अपने चेहरे ते पानी पाया, अल्लाह दियां अक्खां ते गुनाह माफ कर देंदे ने। सुभान अल्लाह। इन्हें कन्नां दा मसा कीता है, अल्लाह कन्नां दे गुनाह माफ कर देंदे ने। गर्ज के मेरे अजीज दोस्तो बजुर्गो, वुज़ू दी बरकत नाल मोमन दियां किन्नियां सारियां गलतियां माफ हो जांदियां ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर नबी पाक अली सलाम फरमांदे ने एक नमाज तो लैके दूसरी नमाज तक ये जिहड़ा दरमियानी वक्त है, इस वक्त और वक्फे दे अंदर जिन्ने गुनाह बंदे ने कीते ने अल्लाह वो सारे माफ फरमा देंदे ने। गल सुनिया जे जरा ध्यान नाल ते समझिया जे। इसे तरह फरमाया एक जुमे तो लैके दूसरे जुमे तक ये जिहड़े दरमियानी दिन ने इन्हां दिनां दे अंदर अगर कोई बंदे कोल गलती हो जाती है, बंदा मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो जुमा अदा करदा बेकैदगी नाल पढ़दा रहिंदा है, अल्लाह दे सबका दिनां दे गुनाह माफ कर देंदे ने। इसे तरह फरमाया एक रमजान तो लैके दूसरे रमजान तक पूरे साल दे अल्लाह सबका गुनाह माफ कर देंदे ने। इसे तरह फरमाया एक उम्रे तो लैके दूसरे उम्रे तक, एक हज तो लैके दूसरे हज तक। पर मैं सदके जावा एक गल्लां सुनिया जरूर ने, बड़िया जरूर ने, अज इन्हां गल्लां नूं समझ के जाना है, इन्हां गल्लां नूं याद करके जाना है। मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो हदीसे मुस्तफा अर्ज करावा, सुन्नते मुतारा दा मुतालिया करिए, ए बात रोजे रोशन दी तरह आया हो जांदी है। मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो ए जेड़े कबीरा गुनाह ने, ए वड्डे वड्डे जेड़े गुनाह ने, चोरी करना, डाका जानी, जिना करना, जिना दी तो मगर गाना, बाल जैन दी ना फरमाने करना, अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम दी तोहीन दे बेअदबी करना, और शाड़े इस्लाम दी तोहीन करना, इस्लाम दिया हद्दां दी तोहीन करना, इसे तरह अरकाने इस्लाम दी तोहीन करना। मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो और ऐसे गुनाह जेड़े गुनाह करने वाले ने अल्लाह दी लानत पैंदी है, रसूलुल्लाह दी लानत लानत बरसदी है। और शराबी बंदा मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो इसे तरह अल्लाह अकबर सूद खान वाला, रिश्वत खान वाला, हराम जराए दे जरिए अपना रोजगार चलाने वाला, ये सारे बड़े गुनाह ने, ये सारे कबीरा गुनाह ने, जेड़े अल्लाह कदी बगैर तौबा दे मुआफ नहीं करदे, जेड़े हज कीतिया मुआफ नहीं जे होंदे, जेड़े उमरे करिया मुआफ नहीं जे होंदे, जेड़े नमाज़ां पढ़िया कदी मुआफ नहीं जे होंदे। अल्लाह अकबर कबीरा। जेड़े सदका ते खैरात करिया कदी मुआफ नहीं जे होंदे। और सुनिए जरा तवज्जो नाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मन जा याबुदुल्लाह वला यशरिकु बिही
إليها ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة كان له الجنة जन्नत दे दाखले वास्ते रुकावट का सबब बन जाते ने अल्लाह की बहिश तो महरूम कर देते ने। मैं हदीस अर्ज कर रहा पढ़िया ने जकात भी अदा की अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कबीरा गुनाहों को बचदा रहा है बड़िया गुनाहों को बचदा रहा है इश्तराब करता रहा है काना लहुल जन्ना ओदे वास्ते जन्नत अल्लाह की रहमत है। अल्फाज की ने वयज तारी बुल कबाइरा कबायर को बचदा रहे किसे दा हक खान को बचदा रहे किसे ते जुल्म ज्यादती करन को बचदा रहे कतलो कारत को बचदा रहे सूद दे लुकमे को बचदा रहे रिश्वत दे लुकमे को बचदा रहे हराम दी कमाई को बचदा रहे वायज तानी बुल कबायर फरमाया कबायर को इश्तनाब करे। देखो मेरे अजीजो जिमें कबीरा गुनाहों को बचन का हुक्म मेरे नबी ने दिता है अल्लाह ने कुरान अंदर दिता है इन तजताने वो वल्लजीन यजतनिबून अल्कबाइर और जिने कबीरा गुनाहों को बचन का हुक्म दिता है इन्हें अल्लाह पाक ने शिर्क दे बारे फरमाया ताकूत दे बारे फरमाया इसे दा अल्लाह ने बुतों की परस्तिश करन दे बारे फरमाया बुतों की पूजा करन दे बारे फरमाया एक कुरान दे अल्फाज ने फरमाया ताहूत को इश्तनाब करना है अल्लाह अकबर कबीरा बुतों की पूजा तो इश्तनाब करना है इसे तरह अल्लाह पाक फरमाते ने कबीरा गुनाहों तो इश्तनाब करना है और जिमें बुत परस्ती ते शिर्क दे गुनाह को बचन का हुक्म है इवें कबीरा गुनाहों को बचन का हुक्म है जिमें बुतां दी पूजा तो बचण दा हुक्म दिता है इवें अल्लाह पाक ने कबायर कोलों बचण दा हुक्म दिता है इनू मामूली नहीं समझना अल्लाह अकबर वो गुनाह कोई छोटा गुनाह है जेड़ा रब दी जन्नत विच दाखल होण तो साडे वास्ते रुकावट बन जे ते छोटा ते ना होया यार वो ते बहुत बड़ा गुनाह है बड़ी वड्डी नाफरमानी है जेड़ा गुनाह अल्लाह दी रहमत तो महरूम कर देवे। अल्लाहु अकबर कबीरा ऐ सुनो जरा तवज्जो नाल मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने गुनाह ते इंसान नो अल्लाहु अकबर कबीरा गुनाहां दी नाउसत जेड़ी है एते इंसान ते अमल जाया कर देंदी है ए जेड़े गुनाह ने ए ते नेकियां भी जाया कर देंदे ने नमाज़ां भी जाया कर देंदे ने ते तस्बीहां भी जाया कर देंदे ने ते सदका भी जाया कर देंदे ने बाद गुनाह ऐसे ने सानू समझ नहीं आउंदी ओ साडियां नेकियां भी बर्बाद कर देंदे ने ते बाद गुनाह ऐसे ने नेकी करया अल्लाह गुनाह माफ कर देंदे ने ते बाद गुनाह ऐसे ने ओ नेकियां नु भी खा जांदे ने अंदाजा करो वो नेकियां भी बर्बाद कर जाते हैं। सुनना करा तवज्जो नाल मेरे बड़े पाक महबूब पर इस्लाम तो सलाम ने फरमाया मा मिन इमरीन मुस्लिमिन तहज़ुरुहु सलातुन मक्तूबतुन वयुहसिनु वुज़ूअहु वुज़ूअहा अल्लाहु अकबर कबीरा व खुशूअहा व रुकूअहा इल्ला कानत
كفارت لما قبلها من الذنوب ما لم يعد كبيرة وذلك الدهر كله. ترجمہ سنو ایمان دارا ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ ہے کوئی مومن بندہ ہے تحضرہ صلاۃ مکتوبہ فرض نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تحضرہ صلاۃ مکتوبہ فرض نماز دا ٹائم ہو گیا ہے پایو حسین وضو آہا آپ فرماتے ہیں سونا وضو کردا ہے وخشوع آہا تے خشوع خضوع پیدا کردا ہے ورکوع ورکوع آہا تے رکوع بھی کردا ہے سونا رکوع اپنی نماز دے اندر خشوع پیدا کردا ہے نال نماز پڑھی جاندا ہے تے دل اللہ کولوں ڈری جاندا ہے دل روئی جاندا ہے اینو خشوع کہندے نے اللہ اکبر کریرا نال نماز وی پڑھدا پیا ہے تے نال مصلی تے فخر کمبی جاندا ہے اللہ کولوں ڈری جاندا ہے سبحان اللہ. فرمایا الا کانت کفارۃ لما قبلہ من الذنوب ما لم یأت کبیرۃ. اگر اینے بڑے گناہ نہیں کیتے اگر اینے بڑے گناہ نہیں کیتے اے جیڑی اینے نماز پڑھی اے پچھلے گناہاں دا کفارہ بن جائے گی. گل اوہی کیتی اے اگر اینے بڑے گناہ نہیں کیتے ما لم یأت کبیرۃ. اور بندہ چوری کر کے آ کے مصلے تے کھلو جے بھی میرا گناہ معاف ہو جے دا. بندہ زنا کر کے آ کے مصلے تے کھلو جے مسیتی آ جے میں زان پڑھنا میں نماز پڑھنا میرا گناہ معاف ہو جے دا. میں مولوی ہوراں نے دسیا بھی پچھلے گناہ معاف ہو جے نہیں. مالم یاتی کبیراتن اللہ دے محبوب فرماندے نے کبیرہ گناہاں تو بچ کے آوے رب دی نا فرمانی دی مسیح تو بچ کے آئے وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ اے آفر او دے واسطے ساری زندگی لئیے کہ او دے واسطے جڑی نماز ہے پچھلے گناہاں دی کفارہ بن جائے گی. فرمایا وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ اے آفر او دے واسطے اے سہولت او دے واسطے ساری زندگی لئیے. نماز پڑھو تے رب نو راضی کرو سبحان اللہ سبحان اللہ. تیجی حدیث فرمایا الصلوات الخمس والجمعہ تو الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا جتونی بل قبائل کبیرہ. یہ میں حدیث بیان کر چکیا ہوں یہ مفہوم عرض کر دیتا ہے. ایک نماز دوجی نماز تک ایک جمعہ دوجے جمعے تک ایک رمضان دوسرے رمضان تک ایک پچھلے گناہاں واسطے کفارہ بن جاتا ہے اوہوں بنتا ہے عزاج تو نہیں بل کبائر. جدوں تک بندہ بڑیاں گناہاں کولوں کبیرہ گناہاں کولوں بچدا رہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ. پیار تے محبت دیاں باتاں میں اے وی نال نال میرے عزیز دوست بزرگوں اپنی تھوڑے جی علمی دساں دے مطابق اشارہ کرنا جاواں او کیڑے کیڑے گناہ نے اللہ اکبر کبیرہ جڑے نماز پڑھیاں دی معاف نہیں ہوندے صدقہ کریاں دی معاف نہیں ہوندے حج تے عمرے کریا بھی معاف نہیں ہوندے او کیڑے کیڑے گناہ نے کل سنیا دے ذرا دھیان نال میرے تواڈے پاک محبوب علیہ السلام دیاں حدیثاں دا ترجمہ ہے. پہلے نمبر تے ایسا گناہ ہے جڑا گناہ کرن دی وجہ تو شریعت نے اللہ دے اللہ دے رسول نے دنیا دے اندر او دے واسطے کوئی حد یا تاثیر بیان کیتی ہے. ایسا گناہ جیڑا گناہ کرنے واسطے حد لاگو ہوتی ہے یا وقت دا حکمران تے بادشاہ اونوں تاثیری صدا دیندا ہے جیڑی شریعت نے بیان کیتی ہے.
चोरी करना जिवे शरीयत ने हद बयान की चोर का हथ कटिया जाए, इसे तरह फरमाया सिना करना शरीयत ने हद बयान की शादी शुदा हो संसार किया जाए, पत्थर मार मार के नू कतल किया जाए। ते तीसरे नंबर दे फरमाया सिना की तोमत लगाना, एदे वास्ते शरीयत ने 80 घोड़े सजा मुकरर कीती है। इसे तरह कतल करना, कतल कातल ते शरी हद एवे कतल दे बदले कतल किया जाएगा, जमीन ते फितना फसाद बर्पा करना वगैरह वगैरह, ये वो गुनाह ने जिन्हां ते हद लागू हो जाती है। दूसरे नंबर ते अर्ज करा ऐसा गुनाह है जिंदा इल्तिकाम करने वाले वास्ते मेरे पैगंबर ने आखरत दे अंदर सख्त वाइद सुनाई है। ये ते दुनिया दी दसी है ना, आखरत दे अंदर भी अल्लाह के नाल शिरक करदा है, रसूलां दा मजाक उड़ांदा है, ये ऐसे गुनाह ने दुनिया ते भी जलील है, अगले जहान भी इनामा ते शरीयत ने सख्त वाइद बयान कीती है। तीसरे नंबर ते ऐसा गुनाह जिंदा इर्तकाब करने वाले वास्ते शरीयत ने खात्मा ईमान दी इतला दी है, भी आ गुनाह करने वाले दा ईमान ही कोई नहीं। वो केड़ा गुनाह है? अमानत भी जो खयानत करना, वादा खिलाफी करना, ते नमाज नु जान बुझ के छड़ना, यो गुनाह ने जिन्हां बारे शरीयत ने दसे इन्हां लोकां दा कोई ईमान नहीं। अमानत विचो खयानत करना, बदयानती करनी, वादा खिलाफी करना, ये सारियां कमजोरियां साडे विच ने, ते नमाज छड़ना, इन्ना गुनाह एक गुनाह करने वाले नो मेरे महबूब ने खात्मा ईमान दी इतला दीती है, ऐसे गुनहगार दा कोई ईमान नहीं। चौथे नंबर दे ऐसा गुनाह जिंदा इर्तकाब करने वाले दे अल्लाह दी लानत दे फटकारे, मिसाल दे तौर दे गैर अल्लाह दे नां दी नजर नियाज देने वाला, ते गैर अल्लाह दे नां दा जानवर दीवा करने वाला, अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्त बुजुर्गो मेरे पाक महबूब ने और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये लानत की, जेड़ा वालदैन नू गाली देंदा है, वालदैन नू बुरा भला कहिंदा है, इहदे ते भी अल्लाह दियां लानतां ते फटकारा ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो कबीरा गुनाहां दी इक लंबी फहरिस्त है, जिहदे बारे इमाम इब्ने अजर असकलानी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गों कबीरा गुनाहां दी फहरिस्त 80 दी तादाद अंदर बयान कीती है। मैं ते चंद इशारे कीते ने अल्लाह समझण दी ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन करके तशरीफ फरमा ने, सहाबा भी बैठे हुए ने, आप फरमांदे ने आला उनबियुकुम बे अकबरिल कबाइर। ऐ मेरे सहाबा मैनू दसो, क्या मैं तुहानू ना दसा कबीरा गुनाहां दे बारे, तुहानू मतले ना करा, तुहानू बा खबर ना करा, मैं तुहानू आगाह ना करा वड्डियां गुनाहां दे बारे। कालू बला या रसूल अल्लाह, सहाबा कहिंदे ने क्यों नहीं, अल्लाह दे रसूल जी निशान देई कर दियो ताकि असीं इन्ना कबाइर दे कोलों बच जाइए, रब दियां लानतां तों, अल्लाह दी ना फरमानी तों बच जाइए। आपने पहले नंबर दे बयान कीता है, आप फरमांदे ने अशिरकु बिल्लाह कबीरा गुनाहां दे विचों सारे फरिश्त कबीरा गुनाह अल्लाह नाल शिरक करना है, जिदे बारे अल्लाह पाक ने कुरान
قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے 18 نبیوں دا نام لے کے آ گیا ہے ولو اشرفو لحبیدانہم ما کانو یعملون تو خوش فہمی وچ مبتلا رہیں اسے خوش فہمی جی مر جانا ہے اور میں کیڑا برا کرن نیا اللہ دے نام دا اگر عقیدہ شرکی آئے عقیدے اندر شرک دی امیزش ہے اعمال اندر بدعت دی بدبو آ رہی ہے اور یہ تھے نبیاں نو رب نے وارننگ دے دیتی 18 نبیاں دا نام لے کے قرآن چ آکھیا جمعہ دا وقت ہونا پوندا میں قرآن پڑھدا تے 18 نبیاں دے نام گنواندا 18 نبیاں دا نام لے کے رب نے ستویں سپارے وچ فرمایا ہے اگر میرے نبی بھی شرک کرن میں انہاں دی زندگی دی محنت ضائع کر دیاں گا اشیاں نے چالی یار کوئی گل نہیں اگر وہ بدعت کرتا ہے شرک کرتا ہے نمازی تے ایویں یہو جی نماز رب نے قبول ہی نہیں کرنی چلو اگر شرک کرتا ہے فلانا کرتا ہے تو وہ صدقہ بڑا کرتا ہے پر رب نے نبیوں نو آکے یہو جے صدقے صدقے تے نمازاں تے تبلیغاں تے واجاں دا مینوں کوئی لوڑ نہیں انبیاء دی جماعت نو فرمایا ولو اشرکو لعبدان ہم ما کان یعملون حالانکہ نبی ایک کام کر نہیں سکدے نبیاں دی ذات نو وارننگ دے کے امت دی تربیت کیتی سانو سمجھایا ہے جے وڈے نہیں بچ سکدے جنہاں دا رب نال خاص تعلق ہے تے نبیاں دے مقابلے اندر امتیوں تہاڈی کی اوقات ہے تہاڈی کی حیثیت ہے اے سانو سمجھان واسطے رب نے آگاہ کیتا ہے تے محبوب پیغمبر نو بھی فرمایا لا ان اشرکت لا یحبطن عملک اے میرے محبوب جی تسی شرک کرو میں تہاڈی زندگی دیا محنت ضائع کر داں گا کسے کھاتے نہیں سب عمل ضائع کر دیواں گا اللہ اکبر کبیرہ رب دا قانون کیڈا پکا ہے یہ سارے وزیر حکمرانہ کے قانون ہے نا اپنے واسطے اور قانون ہے بگانے واسطے اور قانون ہے تے پیسے والے تے سفارشاں والے واسطے اور قانون ہے تے ماڑے تے غریباں واسطے اور قانون ہے یہ تہاڈے پاکستانیاں دے قانون نے رب دے قانون اندر نبی بھی شامل ہے سبحان جیڑا چھابڑی لان والے نو حکمے کوئی نبوت دی گدی تے بہن والے نو حکمے اللہ اللہ اینو کہندے اسلام تے دین اینو کہندے نے قانون تے لا جیڑا رب نے بنایا ہے رب نے اپنے لا اندر کسے قسم دی لچک رکھی کوئی نہیں فرمایا میرا محبوب پیغمبر بھی شرک کرے میں زندگی دے امر ضائع کرتا ہوں تے جدو نبیاں دے بارے پڑھنا تے سننا ہے عام لوگاں تے آپ ہی ہند جانا ہے والا تکونن من الخاسرین اللہ محبوب نبی نو کہہ رہے نے تو کاٹا پاؤن والے وچ ہو جائے گا اللہ اکبر میرے عزیز دوست بزرگو کیڑی کیڑی گل دساں فرمایا شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے جان سوڑی تے ٹنگی جائے ارے جان دی بازی تے نا دینی منظور ہے مومنو مسلمانو میرا پیغام یاد کر لو جان جاندی تے چلی جائے لیکن شرک دے نیڑے نہیں جانا شرکیا گل سننی بھی نہیں تے شرکیا کام کرنا بھی نہیں اللہ ساڈے عقیدیاں دی ساڈے ایمان دی حفاظت فرمائے ایدے تے بڑا مواد ہے بڑا مواد ہے قرآن حدیث وچ بیان کریے تے ساری زندگی مک جائے اللہ دی توحید دے تذکرے نہ مکر ایک ہی آیت قرآن دی سن لو سیانے او سمجھدار او باشعور لوگ فرمایا شرک کرنے والے تے اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے
जिन्हें भी गुनाहगार हैं, जिन्हें भी गुनाहगार हैं, अल्लाह अपनी रहमत नाल माफ कर दे, सौ बार कर दे, उन्हें किन्हें पूछना है। अगर गुनेगारा सजा मिलेगी, जानिया शराबिया भंगिया जर्सिया बेल माजर अगर सजा मिलेगी ना, बिल आखर सजा भुगत के रब ने जन्नत दे ही दे, बिल आखर आखिर जन्नत है। लेकिन शिरक करन तो बच जाओ, बच जो शिरक तो, शिरक करने वाले ते जहन्नम वाजब है, जन्नत अल्लाह दे कुरान ने कह दिता हराम ही कर छड़ी। ए अबदी जन्मी है, कदी सजा भुगत के भी जन्नत दा मुंह नहीं वेखेगा। इस वास्ते रब दा शरीक किसे नु ना बनाओ, ओदिया सिफतां किसे विच ना पाओ, ओदे कमालात नु किसे अंदर ना समझो। ओ वहदहु ला शरीक है, जिवें कलमे दा तर्जमा करदे हो एवें अकीदे अंदर इस बात नु अपना के विखाओ। हांजी नहीं, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला वहदहु ला शरीक है। एक कलमे का तर्जमा कर दे, अल्लाह ने दे पक्का रहने की तौफीक दे। जे नंबर ते फरमाया मेरे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अकूबुल वालिदैन, मापिया की ना फरमानी करना कबीरा गुनाह है। ते तीसरे नंबर ते आप इंज करके तकिया ला के बैठे हुए ने, ते मेरे पैगंबर ने तकिया छड़ दिता है, तो छड़ दिती है, आप सीधे हो गए, अल्लाह कबीरा सीधे पदरे हो गए बह रहे। ते जिवें बंदा होशियार हो जाता है, बड़ी तवज्जो नाल कोई गल करना चाहता है, पहलो नबी पाक अलैहिस्सलाम तकिया लगा के बैठे ने, फरमाया शिरक वड्डा गुनाह है, मापिया की गुस्ताखी वड्डा गुनाह है। जे जदों तीसरी गल कीती है, अलाव पौल सूर, आप फरमांदे ने झूठी गवाही देना ते झूठ बोलना ए एडा वड्डा कबीरा गुनाह है। आप तकिया छड देंदे ने ते सीधे हो के बैठ जांदे ने, आपने इन्नी मर्तबा ये गल कीती है, अलाव पौल सूर, अलाव पौल सूर, अलाव पौल सूर, आप चुप ही नहीं करते। सियाबा कहते ने असी ते डर गए, असी हैरान रह गए, पता नहीं अल्लाह दे रसूल खामोश ही नहीं होणगे। हालांकि तुसी जानते हो जेड़ी बहुती महीयत वाली गल होगी उन्हें तीन मर्तबा दोहराया जाता है। ते नबी पाक ने इस्लाम ने इन्नी वरा आखिया है, सियाबा कहते ने हाय हाय, कालू या लैतहु सकता, हाय काश अल्लाह दे पैगंबर चुप ही नहीं करनगे। आपने इन्नी वरा आखिया, आपको दस वरा आखिया, पंद्रह वरा आखिया, बीस वरा आखिया, होरे किन्नी वरा आखिया, की आखिया, झूठी गवाही देना ते झूठ बोलना एडा वड्डा गुनाह है। आपने पता नहीं किन्नी मर्तबा इस गल नूं दोहराया। असीं सारे अमल भी कीती जाने आ, सारे मामलात भी कीती जाने आ, ते झूठिया गवाहियां ते झूठे कुरान अदालतां कचहरियां अथाने अमसीदां भी कुरान चुकन वास्ते। या अल्लाह सानू इन्हां गुनाहां कोलों बचा लै, इहनूं मामूली ना समझो, यह गुनाह रब की रहमत तो महरूम कर देंदे, इहनूं मामूली ना समझो, इंसान नूं अल्लाह की लानत का मुस्तहक बना देंदे ने, इन्हां कमजोरियां नूं मामूली ना समझो, यह अल्लाह की जन्नत के अंदर दाखिल होने तो बहुत वड्डी रुकावट है, बहुत वड्डी रुकावट। अल्लाह को दुआ है जो कुछ बयान किया है मालिक अपने दरबार अंदर कबूल फरमाए, सुन के समझ के अल्लाह सानू अमल की तौफीक आसान फरमाए। वो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।